भारत आज यानी 16 दिसंबर को 1971 में हुए युद्ध में शहीद वीरों की याद में महाविजय दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पे अगांतु पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने लिखा, पूरे राष्ट्र की ओर से मैं 1971 के युद्ध में योद्धाओं को सलाम करता हूँ। नागरिकों को उन वीर योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने वीरता की अनूठी दास्तान लिखी है। आगे आपको बता दें, इससे पहले वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इस दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों को जीत मिली थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को भारत में महाविजय दिवस मनाया जाता है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने देश के वीर जवानों को नमन किया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।